वेलकम बैक फ्रेंड्स वंस अगेन इन योर ओन चैनल डाउट बस्टर हम बात कर रहे थे ग्राम स्ट्रिंग टेक्निक के बारे में और इसका फर्स्ट वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं इसका सेकंड पार्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेलवाल और ग्राम निगेटिव बैक्टीरियल सेलवाल में कुछ मेजर डिफरेंस इससे हमें हेल्प मिलेगी ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को समझने में है ना तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस निकालते हैं कुछ कुछ मेजर डिफरेंस हम लोग देखते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरियल सेलवाल में सबसे पहले बैक्टीरिया की जो सेलवाल होती है वो पैप्टाइडोग्लाइकैन की बनी होती है तो सबसे पहले हम पेप्टाइडोग्लाइकैन के बेसिस पे डिफरेंस करेंगे दोनों में पेप्टाइडोग्लाइकैन तो जो ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल होती हैं इसमें पेप्टाइडोग्लाइकैन बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है बहुत ज़्यादा थिक लेयर सेल वॉल में प्रेजेंट होती है पेप्टाइडोग्लाइकैन की तो ग्राम पॉजिटिव वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकैन थिक होता है और ग्राम निगेटिव वाल में पेप्टाइडोग्लाइकाइन की लेयर थिन होती है सेकेंड हम डिफ्रेंशिएट करेंगे लिपोपॉलीसेकेराइड के बेसिस पे। जैसा कि जा हम जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपोपॉलीसेकेराइड्स की बनी होती हैं तो अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि लिपोपॉलीसेकेराइड के बेसिस पर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल वॉल में क्या डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में लिपोपोलीसक्राइड थिन पाया जाता है और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में लिपोपोलीसक्राइड थिक पाया जाता है है ना नेक्स्ट एक और कैरेक्टर होता है टिकोइक एसिड का तो हम देखते हैं टिकोइक एसिड टिकोइक एसिड क्या होता है ये ग्लिसरॉल या रिबडॉल के पॉलीमर्स होते हैं और इनमें फॉस्फोडाइस्टर की बॉन्डिंग होती है इस वजह से इनमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है इनके स्ट्रक्चर में तो टिकोइक एसिड में क्या होता है ये ग्राम पॉजिटिव के सेलवाल में पाए जाते हैं और ग्राम निगेटिव में ये एबसेंट होते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं ग्राम पॉजिटिव सेलवाल में टिकोइक एसिड प्रेजेंट है तो इसका पीएच क्या होगा इसका पीएच होगा एसिडिक है ना तो हम लिख सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म का पीएच प्रोटोप्लाज्म का जो पीएच है वो कैसा होगा तो ग्राम पॉजिटिव सेल वाल का जो पीएच होगा वो एसिडिक होगा और कितना होता है पीएच लगभग इसका दो से तीन कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव सेल वाल ग्राम नेगेटिव सेल वाल का पीएच एच चार से पाँच होता है दोनों एसिडिक हैं लेकिन ये स्लाइटली एसिडिक है और ये हाईली एसिडिक है तो अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल बिहाइंड ग्राम स्टेनिंग प्रिंसिपल बिहाइंड ग्राम स्टेनिंग जैसा कि अभी आपने देखा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल में पैप्टाइडोग्लाइकेन और टिकोइक एसिड प्रेजेंट है वहीं ग्राम निगेटिव सेलवाल में ना ही पैप्टाइडोग्लैकैन उतना प्रेजेंट है और ना ही उसमें टिकोइक एसिड प्रेजेंट है है hey ना क्योंकि ग्राम पॉजिटिव सेलवाल में टिकोइक एसिड प्रेजेंट है इस वजह से उसका वॉल एसिडिक नेचर का है है ना और क्रिस्टल वायलेट बेसिक डाई है तो इस वजह से क्रिस्टल वायलेट डाई ग्राम पॉजिटिव सेलवाल को ज़्यादा बेटर तरीके से बाइंड करती है कंपेरिजन टू ग्राम निगेटिव वॉल है ना तो हम लोग लिख सकते हैं क्रिस्टल वायलेट डाई क्रिस्टल वायलेट डाई बाइंड्स क्रिस्टल वायलेट डाई बाइंड्स ग्राम पॉजिटिव वॉल ग्राम पॉजिटिव वॉल विद बेटर एफिनिटी विद बेटर एफिनिटी और ऐसा क्यों है क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेलवाल है वो एसिडिक नेचर का है क्योंकि उसमें टिकोइक एसिड प्रेजेंट है और पेप्टाइडोग्लाइकैन प्रेजेंट है पेप्टाइडोग्लाइकैन से भी क्रिस्टल वायलेट बहुत ही स्ट्रांगली बाइंड करता है है ना तो क्रिस्टल वायलेट डाई बाइंड ग्राम पॉजिटिव सेल ग्राम पॉजिटिव सेल्स विद बेटर एफिनिटी ड्यू टू ड्यू टू इट्स बेसिक नेचर ड्यू टू इट्स बेसिक नेचर है ना ड्यू टू इट्स बेसिक नेचर इसके अलावा क्रिस्टल वायलेट को यूज़ करने के बाद में क्रिस्टल वायलट को स्लाइड पर डालने के बाद में हम ग्राम्स आयोडीन डालते हैं तो क्रिस्टल वायल्ट और ग्राम आयोडीन का जो कॉम्प्लेक्स होता है ये वाटर में इनसॉलेबुल होता है लेकिन एल्कोहल में सॉलेबुल होता है तो यह पॉइंट लिखिए इसको मैं समझाता हूं कि इसका क्या मतलब है क्रिस्टल वाइलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल वाइलेट क्रिस्टल वाइलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स इसको शॉर्ट फॉर्म में सी वी आई कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं क्रिस्टल वायलट आयोडीन कॉम्प्लेक्स इज इनसॉलेबल इन वाटर इज इनसॉलेबुल इन वाटर बट सॉलेबुल इन अल्कोहल, बट सॉलेबुल इन अल्कोहल। इसी वजह से क्रिस्टल वायलट और ग्राम आयोडीन को स्लाइड पे ट्रीट करने के बाद में हम एल्कोहल का यूज़ करते हैं ताकि जो भी बाइंडिंग स्ट्रांग नहीं है जहाँ पे लूज जहाँ पे लूज एफिनिटी से बाइंड हुआ है वहाँ पे एल्कोहल की हेल्प से एक्सेस जो क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन का जो अट्रैक्शन है वो रिमूव हो जाए है ना तो इसीलिए हमने लिखा क्रिस्टल वाइलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स इज़ इन वाटर बट इन एल्कोहल अब देखते हैं ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमको साफ़ सुथरी फ्रेश स्लाइड चाहिए एक प्योर बैक्टीरियल कल्चर चाहिए कल्चर फ्रेश होना चाहिए कल्चर बहुत ओल्ड नहीं होना चाहिए है ना तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक स्लाइड लेंगे साफ़ सुथरी स्लाइड पे वन ड्रॉप ऑफ डिस्टिल वाटर रखेंगे उसमें फ्रेश प्योर कल्चर जो बैक्टीरिया का होगा उसको लूप से पिक करेंगे इनोकुलेशन लूप से उसको पिक करेंगे और उसका स्मियर बनाएंगे स्लाइड पे स्मियर का डायमीटर डेढ़ सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्मियर को बनाते समय ये ध्यान देना चाहिए कि स्मियर मोटा पतला ना बने बराबर बनना चाहिए स्मियर बनाने के बाद में उसको एयर ड्राई करेंगे फिर उसको हीट फिक्स कर देंगे है ना इतना करने के बाद में हम ग्राम स्टैंडिंग प्रोसीजर पे बढ़ेंगे तो सबसे पहले ग्राम स्टैंडिंग टेक्निक में हम यूज़ करेंगे डाई क्रिस्टल वाइलेट का है ना क्रिस्टल वायलेट डाई का हम इस्तेमाल करेंगे और उसको एक मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे है ना उसके बाद में उसको रनिंग वाटर या डिस्टिल वाटर की जो बॉटल आती है उसके हेल्प से उस वाटर की हेल्प से स्लाइड को वॉश कर देंगे ताकि जो एक्सेस क्रिस्टल वायलेट है वो वॉश हो जाए तो होगा क्या हमारा जो बायोलॉजिकल सैम्पल होगा उस पर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होंगे वो सब क्रिस्टल वाइलेट डाई को ट्रैप कर लेंगे जो ग्राम पॉजिटिव होंगे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से ट्रैप कर लेंगे क्योंकि उनमें टिकोइक एसिड होता है उनमें पेप्टाइडोग्लाइकिन ज़्यादा होता है और जो ग्राम निगेटिव वाले माइक्रोब्स होंगे वो भी कुछ अमाउंट में क्रिस्टल वायलेट को बाइंड कर लेंगे लेकिन उतना एफिशिएंटली बाइंड नहीं कर पाएंगे जितना कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बाइंड करते हैं तो इसीलिए यहाँ पे देखिए जितनी भी बैक्टीरिया हैं उन सबको मैंने दिखा दिया है कि ये क्रिस्टल वायलेट से स्टेन हो गए है ना उसके बाद में हम ग्राम आयोडीन अप्लाई करेंगे ग्राम आयोडीन क्या करेगा ये एक मॉडर्न की तरह होता है ये एक फ़िक्सर की तरह होता है तो ये क्या करेगा जो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे हमारे बायोलॉजिकल सैंपल में है ना उन बैक्टीरिया पे जो क्रिस्टल वायलेट ट्रैप हो चुकी है पेप्टाइडोग्लाइकैन में मतलब कि उसके सेल वाल में जो ट्रैप हो चुकी है उसको वो और स्ट्रांगली फिक्स कर देगा उसकी जो बाइंडिंग है क्रिस्टल वायलेट की और पैप्टाइडोग्लाइकैन की उसको और ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगा है ना इसको भी हम एक मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे फिर डिस्टिल वाटर से उसको स्लाइड को वॉश कर देंगे ताकि जो एक्सेस अमाउंट में जो ग्राम सायोडीन है लगी हुई इधर उधर वो वॉश आउट हो जाए उसके बाद में हम इस्तेमाल करेंगे डी कलराइज़र डी कलराइज़र हम बेसिकली तो अल्कोहल यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल यूज़ करते हैं 95 परसेंट या फिर एसीटोन भी कुछ केसेस में यूज़ कर सकते हैं है ना तो हम अप्लाई करेंगे एल्कोहल एज अ डी कलराइज़र थर्टी सेकेंड्स के लिए ड्रॉप बाई ड्रॉप करके है ना तो इससे क्या होगा एल्कोहल जो होता है एल्कोहल क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन का जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको वॉश कर देता है तो जो ग्राम नेगेटिव वाले जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे हमारे सैंपल में उनमें तो इतनी स्ट्रांग बाइंडिंग है नहीं क्रिस्टल वायलेट की और आयोडीन की तो वो ईजिली वॉश हो जाएंगे तो होगा क्या डी कलराइज़र से जो ग्राम नेगेटिव वाले जो हमारे बैक्टीरिया प्रेजेंट थे सैंपल में वो क्रिस्टल वायलेट डाई को रिमूव हो जाने देंगे जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें मैंने एक ही बायोलॉजिकल सैंपल में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दिखा दिया है लेकिन ऐसा होता नहीं है अगर माइक्रोबायोलॉजी के लेबोरेट्री में आप देखेंगे तो हमेशा हमको प्योर कल्चर लेना होता है तो उसमें अगर मिक्स ग्राम पॉजिटिव और निगेटिव साथ में आ रहे हैं इसका मतलब है कि हमारा कल्चर ख़राब है इमप्योर है लेकिन जो क्लिनिकल लैब्स होती हैं जहाँ पे हम डिजीज़ डायग्नोज करते हैं वहाँ पे हमें वहाँ पे हम देख सकते हैं उसमें दोनों बैक्टीरिया आ सकते हैं तो ये हो सकता है कि दोनों का इन्फेक्शन है तो टॉपिक पे आते हैं अल्कोहल यूज़ करने से क्या होगा ये जो ग्राम नेगेटिव वाले बैक्टीरिया होंगे वो क्रिस्टल वायलेट को रिमूव होने देंगे अपने आप से लास्ट में हम यूज़ करेंगे काउंटर स्टेन काउंटर स्टेन में हम डाई यूज करते हैं सैफरेन सैफ्रन क्या होगा ये जो ग्राम नेगेटिव वाले बैक्टीरिया थे जिन जो कि डी कलराइज हो गए थे जो कि क्रिस्टल वायलेट को अपने वॉल से रिमूव कर चुके थे वो सैफ्रन से बाइंड हो जाएंगे और उसको भी हम एक मिनट के लिए छोड़ देंगे उसके बाद में हम डिस्टिल वाटर से उसको वॉश कर लेंगे और जो जो भी एक्सेस सेफरेनिन लगी होगी वो रिमूव हो जाएगी फिर हम उसको ब्लॉड ड्राई करेंगे स्लाइड को फिर ऑयल इमर्शन को हम इस्तेमाल करते हुए माइक्रोस्कोप में व्यू करेंगे तो हमें जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे वो क्रिस्टल वायलेट कलर या फिर पर्पल कलर में दिखेंगे जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे वो सैफरेन स्टेन की वजह से रेड कलर का या पिंक कलर का हमें विजुलाइज होगा तो यही थी ग्राम स्टेनिंग अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए इसको लाइक करिए कमेंट करिए और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए